ना मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान फायदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन टॉपिक्स के हवाले से, दो तीन इश्यूज के हवाले से सवालात जनरेट करने की और उनके जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो पिछले कुछ दिनों से एकदम से पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि री सदारती निजाम लाया जाए। अब ये बहस कहां से आई है? सबसे पहले इसका आगाज सोशल मीडिया से हुआ, ट्विटर से हुआ, इसके बारे में ट्रेंड बनना शुरू हो गए। अब ये इतना बड़ा एक ट्रेंड बना है या इतनी बड़ी एक चहमगोइयां, बल्कि चहमगोइयों से ज्यादा ये एक बहस की सूरत इख्तियार कर गई है, क्योंकि नून लीग ने, एहसन इकबाल साहब ने एक करारदाद भी जमा करवा दी है सदारती निज़ाम के खिलाफ और पार्लियामानी निज़ाम के हक में पार्लियामेंट में, और मुतालबा भी किया है कि जुमे को जो कौमी असेंबली का सेशन होना है उसमें इस पर बहस करवाई जाए। तो यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि सदारती निज़ाम को लाया जाए पाकिस्तान में, पार्लियामानी निज़ाम को ख़त्म किया जाए। इसके हवाले से जो सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड्स बने हैं वो इतना जो एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, इतना बढ़ गया है कि कौमी असेंबली में अब इस पर डिबेट हो रही है। वो कौमी असेंबली जो कि इस मुल्क में आईनी, जमहूरी और पार्लियामानी निजाम हुकूमत की बुनियाद है, वहां पर ये अब डिबेट होने का जो है सवाल जनरेट हो गया है कि सदारती निजाम की बहस को खत्म कर दिया जाए। ये आखिर सदारती निजाम का शोशा हर चंद महीने के बाद और सालाना बुनियादों पे पाकिस्तान में जनरेट क्यों होता है, किसकी ख्वाहिश है? क्योंकि पाकिस्तान का आईन वाज़ह तौर पे कहता है कि इस मुल्क में पार्लियामानी निजामी हुकूमत होगा। यहां तक कि बानी पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने भी अपनी जो अवलीन तकारीर है पाकिस्तान के क्याम के बाद उसमें यही कहा कि पाकिस्तान में एक ही निजामे हुकूमत होगा जो कि जमहूरी और पार्लियामानी होगा। तो क्या वजह है कि आईनी जो एक रिवायात हैं, जो आईन कहता है उससे रूगरदानी करते हुए और बानी पाकिस्तान के फरमुदात से रूगरदानी करते हुए मुल्क में सदारती निज़ाम की बहस छिड़ गई है? इस पे सवाल जनरेट करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान को इस वक्त सदारती निज़ाम की ज़रूरत है? क्या पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत पाकिस्तान में नाकाम हो चुका है? सदारती निज़ाम की क्या क्या खामियां, क्या क्या खूबियां माजी में रही हैं, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा, आज जनाब एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इंटरनेशनल सतह पे एक रिपोर्ट आई है जो कि बताती है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तीसरा सबसे महंगा तरीन मुल्क है। पाकिस्तान से ऊपर जो दो मुल्क हैं उनमें सिर्फ अर्जेंटीना और तुर्की शामिल है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर है दुनिया में पाकिस्तान जो कि महंगा तरीन मुल्क है। ये कोई पाकिस्तान की ऑपोजिशन नहीं कह रही, ये दुनिया के मोतबर मुस्तनिद इदारों की रिपोर्ट कह रही है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान अभी भी, आज भी उन्होंने तकरीर की, आज भी उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान अभी भी सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया का। तो अवाम किसकी बात माने? जो अवाम वहां बाजारों में जाते हैं चीजें लेने या अपनी रोजमर्रा की जो जरूरियात की चीजें हैं उनकी प्राइसेस को देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान की बात को सुने, या फिर ये दुनिया के जो इंतहाई मुस्तनिद इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट को माने। सो पाकिस्तान तरीके इंसाफ आखिर इस चीज को डिनाय क्यों कर रही है कि मुल्क में महंगाई है, लोग उनसे तंग है? और इसी सारी सूरत हाल में दो अहम डेवलपमेंट और भी हुई हैं। एक तो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की डेट आ गई है 15 मई। तो महंगाई की इस वक्त मईशत की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पंजाब में क्या खतरा नहीं है? और दूसरा, लॉन्ग मार्चेस पीपल्स पार्टी का और पीडीएम का, क्या पीडीएम का लॉन्ग मार्च हो सकता है? क्योंकि रमजान भी आने वाला है, बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं और आज मौलाना के साथ आसिफ अली जरदारी का राबता हुआ है, तो क्या पीडीएम का लॉन्ग मार्च शिफ्ट हो सकता है, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के साथ क्लिप कर सकता है? ये वो सवालात हैं, ये वो इश्यूज हैं जिन पे आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, एमएनए हैं जवेरिया जफर आहिर साहिबा, वो ज्वाइन कर रही हैं। अली परवेज मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर आजेज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। जवेरिया जफर साहिबा, पहला सवाल आपसे, सदारती निज़ाम की बहस ये आखिर पाकिस्तान में कहाँ से छिड़ गई है और इतनी बड़ी ये रोल ऑन
ऑन हुई है बहस सोशल मीडिया के ट्रेंड से लेके कि अब कौमी असेंबली में करारदाद तक जमा हो गई है कि सदारती निजाम की नफी की जाए। पाकिस्तान तरीके इंसाफ सदारती निजाम चाहती है मुल्क में। जबरिया साहिबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गरीदा साहिबा। पहले तो आपने खुद ही कह दिया कि बहस चल रही है, पता नहीं कहाँ से आई है, सोशल मीडिया से आई है। आप माशाल्लाह इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कब से आपकी मीडिया वालों की तो नजरें वैसे ही सब चीजों पे बहुत ज्यादा रहती हैं, तो जब आप ही को नहीं पता कि बहस कहाँ से है तो हमें कैसे पता होगा। नहीं, बहस और सोशल मीडिया से आगाज हुई है इसका, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। जी जी, सोशल मीडिया से तो है, अब वो तो हर 6 महीने बाद आगाज, बल्कि अब तो ट्रेंड ऐसा है पाकिस्तान में, बदकिस्मती से कह लें कि यहाँ आए रोज कोई ना कोई चीज सोशल मीडिया पे गर्दिश करती नजर आती है जिसकी हकीकत कुछ भी नहीं होती है। और ये तो एक बहुत बड़ी बात है, सदारती निजाम और पार्लियामानी निजाम और इमरजेंसी, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो हमारे आसपास खबरें गर्दिश कर रही हैं, जो हमारी नजरों से भी गुजर रही हैं, जो अब तकरीबन हर टीवी हर चैनल के हर प्रोग्राम में ये डिबेट होती हुई भी नजर आ रही है। तो जाहिर है कि अब ये जहां से निकली है हमें तो नहीं पता कि कहां से निकली है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ चाहती है कि मुल्क में सदारती निजाम लगे या कोई इमरजेंसी इस वक्त नाफिज हो या इमरान खान सदर बने। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ऐसा आपको क्या कहीं से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, किसी तर्जमान की कोई ऑफिशियल एक भी जुमला इस लिहाज इस मामले पे आपको कहीं से किसी कैबिनेट के किसी मेंबर का, पीएम तो चले छोड़े ना, पीएम तो मतलब एक सुपीरियर एक वो एक दर्जा है, या किसी भी पार्लियामेंट साहिबा, इसीलिए आपको जहमत दी है ना कि आप बताइए, हमें बताइए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर क्या सोच है, इसीलिए आपको जहमत दी है। देखिए जी, हमारे जो भी पार्टी के अंदर मामलात हैं, जो भी बातें हैं, जो भी हमारी लास्ट मीटिंग भी हुई है और जो भी सेशंस भी चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस चीज में कोई सदाकत नहीं है। हमारे यहाँ ये बहस हरगिज नहीं हो रही, ना इस चीज के ऊपर कोई मीटिंग्स हो रही हैं, ना ये कोई एजेंडा है कि इसके बारे में कोई बात कर रहे हैं। कम अज कम मैं जाती तौर पर ये कह सकती हूँ, और बाकी मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं जमात में लोग हैं, वो शायद मेरे से भी बेहतर इसका आपको जवाब दें कि हमारी तरफ से ऐसी कोई चीज ना हमने कभी कही है, ना कोई जेरे बहस आई है, और ना हमारे किसी भी मेंबर ने इसके बारे में कोई भी जिम्मेदारी। यानी कि आप कह रही हैं कि पार्टी के अंदर कोई सोच नहीं पाई जाती कि इमरान खान को अगली टर्म देने के लिए, पार्टी के अंदर कोई सोच इमरान खान को सदर बना दिया जाए, कोई ऐसी सोच नहीं पाई जाती। हाँ, अगर जी देखिए, पार्टी का तो आप अगर ये सुनना चाह रही हैं तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि पार्टी के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना कोई ऐसी ख्वाहिश पाई जाती है, ना कोई ऐसी डिबेट जेरे बहस है। हाँ, आए दिन क्योंकि डिफरेंट चीजें होती हैं, डिफरेंट मौजूआत होते हैं, बातें होती हैं, तो वो ऐसे जनरल डिस्कशन अगर कोई कर ले, या जैसे अब आप और मैं भी टीवी पर बैठ के इसी की बात करें, आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे चीजें इस तरह फैल जाती हैं कि उस पर टीवी प्रोग्राम्स होने लग जाते हैं। नहीं, अब ये सोशल मीडिया तक बात रही नहीं, क्योंकि नून लीग ने करारदाद जमा करवा दी है पार्लियामेंट में बहस के लिए जुमे को, अब ये सोशल मीडिया तक बात रही नहीं। मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि नून लीग ने करारदाद जमा करा दी है, उनका बिल्कुल राइट है। जब डिबेट होगी पार्लियामेंट में इस बात के ऊपर, दोनों तरफ से, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से, सबका जो है मौकफ सामने आएगा, खुल के आएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट होगी, कोई ढकी छुपी तो बात होगी। ठीक है, ठीक। मेरा ख्याल है कि उस वक्त चीजें ज्यादा वाजे हो जाएंगी, बजाय इसके कि हम अब बैठ के आपस में इस बारे में बात करें, वो मेरा ख्याल है उसका कोई नतीजा अखज नहीं कर सकते हम। ठीक है, अली परवेज मलिक साहब, सोशल मीडिया पे तो हर दूसरे तीसरे दिन अजीबो गरीब किस्म के ट्रेंड चल रहे होते हैं, नामालूम अकाउंट्स के जरिए चल रहे होते हैं, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने तमाम ऑपोजिशन के सिग्नेचर्स के साथ एक करारदाद जमा करवा दी है कि जी सदारती निजाम के खिलाफ बहस करवाई जाए, तो ये खतरा कहां से क्रिएट हो गया कि इस निजाम को लपेटा जा रहा है या पार्लियामानी निजाम खत्म किया जा रहा है? बहुत जल्दी आप लोगों ने बहुत बड़ा स्टेप नहीं ले लिया एक सोशल मीडिया पे चलने वाले ट्रेंड के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने आज अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, ये जो सदारती निजाम लाने का जो ये मामला है, इसके ऊपर आने से पहले मैं एक दो बातें जो मेरी जहन में अभी आपकी जो आपके पैनलिस्ट पे जवेरिया साहिबा बैठी हैं, वो जो गुफ्तगू कर रही थी, तो उनकी बात सुनते हुए मेरे जहन में आया। एक तो ये है कि जिन लोगों की भी ये ख्वाहिश है
कम से कम उन्होंने ये तो मान लिया कि ये जो हाइब्रिड निजाम हमारे पे नाफिज किया गया था ये वो रिजल्ट यील्ड नहीं कर रहा जो वो चाहते थे, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो ख्वाहिश जिस पार्टी की भी है, जब ये आप डिबेट करेंगे इस मामले के ऊपर तो उसको ओपनली सामने आके बताना पड़ेगा कि वो कहां पे खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से इसको पॉजिटिव लाइट में लेना चाहिए ताकि हम इस मामले को एक दफा कंक्लूड कर लें। अब जहां तक आपका ये कि वजीर आजम इमरान खान साहब की क्या ख्वाहिश है कि वो सदर बने, तो मेरे ख्याल से आजकल के निजाम के अंदर भी उनके पास ताकत इतनी है जितनी हमारे इस निजाम के अंदर एक सदर के पास होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा है ना, वो अपनी काबीना के ऊपर कोई कंट्रोल रखते हैं, ना वो अपने मेंबरान के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। उनकी काबीना के अंदर एक वजीर ने दूसरे का गिरेबान पकड़ा हुआ है, एक मेंबर कहता है कि अगली तीनों सफों को आप ईसीएल के ऊपर डाल दें, तो उनको सदर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो ऑलरेडी वजीर आजम होते हुए सदर के इख्तियार ही तकरीबन इंजॉय कर रहे हैं इस निजाम के अंदर। अब जो आप बात कर रही हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या इस पाकिस्तान के अंदर उसकी क्या सूटेबिलिटी है कि नहीं, और मेरी जाती राय क्या है, क्योंकि पार्टी की राय तो जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिबेट होगा तो यकीनन सामने आ जाएगी। पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान एक फेडरेशन है और एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, तो जब कायदे आजम ने जब इस मुल्क को बनाया था और उसके बाद जिन लोगों ने इस आईन को बनाया था उन्होंने जानते बूझते एक बाइकैमरल सिस्टम बनाया था ताकि कोई एक सूबा आपके इस मुल्क की सियासत को डोमिनेट ना कर सके। इसीलिए लोअर हाउस और मोर सो अपर हाउस, जिसके अंदर बराबर की नुमाइंदगी आपके सारे सूबों को दी गई थी और एक स्कीम ऑफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स आपको दे दी गई थी कि आपने इस मुल्क को आगे किस तरह लेके जाना है, ताकि आप किसी छोटे सूबे के लोगों का हक बड़े सूबों की जो मेजॉरिटी की वजह से या उनकी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की वजह से आप वो किसी तरह से डाइल्यूट ना कर सकें। तो मेरे ख्याल से अगर इस मुल्क को आप एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जिसके अंदर ये सारी की सारी पावर कॉन्सेंट्रेट करेगी एक शख्स के अंदर, अगर आप उस तरफ धकेलेंगे तो ये इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमें जो चीज करनी चाहिए वो ये, इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए। इस सिस्टम के अंदर जो एफिशिएंसीज है, जो नालायकियां जो इस हाइब्रिड निजाम की वजह से आई हैं, उनका एहतसाब करके उनको उठा के बाहर फेंकने की जरूरत है। और एक दफा भरपूर जमहूरी आपका जो हमारा अरेंजमेंट है इस आईन के तहत उसको मौका देना चाहिए, और ये बाहर से बैठ के डोरियां खींचने का सिलसिला है इसको खत्म हो जाना चाहिए ताकि एक अच्छे करेंगे ये जरा आगे चल के डिबेट करेंगे। लेकिन आदिल धामरा साहब सर यही सवाल आपसे कि जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी दस्तखत हैं जो एहसन इकबाल साहब ने जमा करवाई है करारदाद और मुतालबा किया है कि जुमे को डिबेट करवाई जाए पार्लियामानी निजाम के तहफ्फुज़ और सदारती निजाम के खिलाफ, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खतरा है कहीं ना कहीं कोई कोशिश हो रही है मुल्क में सदारती निजाम लाने की और इस निजाम को लपेटे जाने की? धामरा साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए मेरे ख्याल में दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब कि आप सोशल मीडिया एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का और वहां से पिक की जाती हैं चीजें, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आती हैं, फिर उनको प्रिंट मीडिया भी शो करती है और वो बहस सोसाइटी के अंदर एक शुरू हो जाता है। तो जाहिर है पार्लियामेंट भी निजामे पाकिस्तान का एक अहम सतून है और उसमें ये डिबेट होनी चाहिए। और अभी जो पीटीआई टॉक शो के अंदर डिनाई कर रही है उनकी बातें भी पार्लियामेंट पे आएंगी, मगर मुझे जिस बात का खतरा है कि ये बहस से भाग जाएंगे, ये बहस होगा नहीं। पीटीआई हुकूमत कुछ ना कुछ ऐसी गुगली मार देगी कि ये कोरम ही इनका पूरा नहीं होता वैसे आम रूटीन में भी, तो ये जवाब पे पार्लियामेंट में बहस नहीं करेंगे। और इस मुल्क ने सदारती निजाम देखे हैं, जनरल जिया का दौर देखा है, जनरल अयूब का दौर देखा है, जनरल मुशरफ का दौर देखा है, जनरल ज़िया का दौर देखा है, और उन अदवार के अंदर इस मुल्क ने जितना सफर किया है उसको जमहूरी अदवार के अंदर कवर करने की कोशिश की जाती रही, मगर उन जमहूरी अदवार के दौर के हुक्मरानों को भी किस कदर यहाँ पर परेशानियां होती रही कि आपके प्रेसिडेंसी में बैठा एक शख्स जुम्बश कलम से पूरी पार्लियामेंट को घर भेज दिया जाता था, उनके काम में रोड़े अटकाए जाते थे। तो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद 18th अमेंडमेंट की जो मंजूरी थी वो 2008 से 2013 में चलने वाली पार्लियामेंट की बहुत बड़ी कामयाबी थी, अचीवमेंट थी। अब इत्तेफाक ये है कि उस टाइम पीटीआई नहीं थी, इसलिए पीटीआई को ये एहसास नहीं है कि पार्लियामेंट और उनके इख्तियारात होते क्या हैं।
अच्छा जरदारी साहब ने इस मुल्क में गरीदा एक क्लर्क भी अपने पावर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करता उसे। एक प्रेसिडेंट ने जो पावरफुल प्रेसिडेंट था, मगर वो क्योंकि सियासी सोच रखने वाला, जमहूरी सोच रखने वाला प्रेसिडेंट था, पार्लियामेंट ने उनसे इख्तियार नहीं मांगे थे। उन्होंने खुद पार्लियामेंट को कहा कि भाई आप ये पार्लियामेंट के जो इख्तियार हैं मुझसे ले लें, हो सकता है कि मुझसे बात कोई ऐसा शख्स आ जाए जो ना जमहूरी होगा ना सियासी होगा, तो ये पार्लियामेंट के इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं देंगे। अच्छा वो जब पार्लियामेंट के इख्तियार आपको मिले तो क्या अब तक जरदारी प्रेसिडेंट के वो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, जरदारी साहब कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो अब प्राइम मिनिस्टर, चलो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है मगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर हम बुनियादी तौर पर पीपुल्स पार्टी सदारती निजाम के लिए इसलिए खिलाफ है कि जिसको जो जिम्मेदारी दी जाए उसका एहसास। क्या क्या पीपुल्स पार्टी को खतरा है? क्या क्या सोशल मीडिया के ट्रेंड से पीपुल्स पार्टी को खतरा है? क्योंकि आप लोगों ने भी करारदाद पर दस्तखत कर दिए हैं, क्या आप लोगों को खतरा है कि कहीं निजाम लपेटे जाने की कोई कोशिश या कोई ख्वाहिश मौजूद है या सदारती निजाम लाने की कोई? अब ये मुमकिन नहीं। अब ये जो जनरेशन है वो बाशऊर है, वो अपने हकूक के लिए लड़ सकती है। आज कोई किसी को गिरेबान से पकड़े कोई ताकतवर बंदा तो सोशल मीडिया के तौर पर पूरी सोसाइटी का साथ देती है और वो नाक रगड़ रगड़ के उससे माफियां लेते हैं जो तबकाती तौर पर बहुत ही छोटा आंदा। इसलिए अब ये चीजें ये थोड़ी नहीं चलेंगी। मगर मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए, अब वो सूरत हाल नहीं है। मगर पीपुल्स पार्टी बुनियादी तौर पर इस बात के खिलाफ है, क्योंकि मैं जिन एहसाब का बात कर रहा हूं, मैं नेब वाले एहसाब की बात नहीं करता। हर पांच साल के बाद अवाम को ये इख्तियार होना चाहिए कि वोट की पर्ची से वो एहतसाब करे कि आज इस धामरा मेरे इलाके में ठीक चले कि नहीं चले। ये इख्तियार अवाम उन्नास को होना चाहिए और यही डेमोक्रेटिक तरीका है जिसकी पीपुल्स पार्टी दाय भी है। और अगर सदारती निजाम आया तो ये सिर्फ पार्लियामेंट की बहस की हद तक नहीं, पीपुल्स पार्टी स्ट्रीट के अंदर भी मुजाहमत करेगी इस निजाम के खिलाफ। चले अभी तो आपका जो अभी लॉन्ग मार्च होने वाला है 27 का, उस हवाले से बात करते हैं। लेकिन जवेरी जफर साहब, बिफोर आई गो टू द ब्रेक, क्विकली मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि कुछ एस्पर्शंस कास्ट की हैं सेंटर आरिज धामरा साहब ने और कुछ तहफुजात अली परवेज साहब ने भी जाहिर किए हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस मामले पर बहस ही नहीं करवाएगी, पार्लिमानी निजाम के हक में सदारती निजाम के खिलाफ आप लोग भाग जाएंगे। बहस होनी चाहिए, बहस होने देंगे? स्पीकर कौमी असेंबली को बहस करवानी चाहिए जो एहसन इकबाल ने करारदाद आज पेश करवाई है? गरीदा आप अब कितना टाइम है मेरे पास कि ये ना मैं बात कर रही हूँ? आप क्विकली जवाब दे दें फिर मैं ब्रेक पर जाती हूँ, एक मिनट कम से कम है आपके पास। देखिए बात ये है कि इन दोनों जमातों को जो अब मसले मसाइल आ रहे हैं ना, क्योंकि अब इनकी पॉलिटिकली तो ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जो इन्होंने एक चूचू का मुरब्बा बनाया था वो भी खत्म हो गया, ठुस हो गया, वो पटाखा भी नहीं बजा उसके अंदर से। जिस ये कभी ये हाथों की बात करते हैं, कभी ये बैसाखियों की बात करते हैं, ये इतने कंफ्यूज्ड और फ्रस्ट्रेटेड हैं कि अरे हर चीज ये कहीं से भी कोई खबर आती है उसको सीरियस ले लेते हैं और उसको अपनी तरफ वो कहते हैं कि जी ओहो खतरा तो इन बेचारों को है, लग रहा है ना, क्योंकि अब इनका कोई आगे फ्यूचर रहे। मेरा सवाल ऑपोजिशन के बारे में था ही नहीं, मेरा सवाल तो बहस के बारे में था और आपकी पार्टी के मौकिफ के बारे में था। बहस मैं आपको इसी बात का जवाब दे रही हूँ कि इनके पास अपने सवाल होते हैं और अपने ही जवाब भी होते हैं, हम क्यों बहस से भागेंगे? भाई आप जरूर बहस करें, आप पहले जो बहस करते हैं कि आपसे नहीं सुनी गई बहस, आप अपने पास से चीजें बना के हमारे मुंह से कहलवाना चाहेंगे तो हम तो नहीं कहेंगे। आप फ्लोर के ऊपर बहस करें, फोरम आपके लिए हाजिर है, आप जो मर्जी बहस करें। स्पीकर को बहस करवानी चाहिए इस करारदाद पे जो एहसन इकबाल ने प्रेजेंट किया है। जवेरिया साहिबा गारंटी है ना, ये गारंटी आज आपके प्रॉमिस। मैं कह रही हूँ जी कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये इनका ये बहस नहीं कराएंगे, ये बहस होने नहीं देंगे या ये उस पर डिबेट नहीं करेंगे, आपको इल्हाम नाजिल हो गया कि आपको क्यों? और मैं तो कह रही हूँ करानी चाहिए, क्यों नहीं करानी चाहिए? एक आपके जेन में चीज है उसको क्लियर करना चाहिए भाई। आप बात कर रहे हैं, आप भी क्लियर करें, हमारे मेंबर्स भी क्लियर करें, एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। सही बात की आपने, आप भी एमएनए हैं, अली परवेज साहब भी एमएनए हैं, जुमे को सेशन है देख लेते हैं, सेंटर साहब भी यही बैठे हैं। देख शुक्रिया अदा करता हूँ गरीदा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि पीटीआई इंश्योर कर रही है कि वो भागेगी नहीं। ये जुमे को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देख लेंगे एहसन इकबाल साहब के करारदाद पे स्पीकर साहब बहस करवाते हैं कि नहीं करवाते। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, का शॉर्ट क्विक ब्रेक, सेंटर आरिज धामरा साहब, अली परवेज मलिक साहब और जवेरिया जफर साहब मौजूद है, कुछ मजीद टॉपिक्स पे बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करते हैं कि जनाब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दुनिया के अहम ममालिक का जो है वो तजिया लिया गया है और उसमें बताया गया है, इकोनॉमिक डेटा सामने आया उसमें बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर में तीसरा सबसे महंगा तरीन मुल्क है। जवेरिया जफर साहिबा, वजीर आजम इमरान खान तो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, जबकि ये आपके सामने द इकोनॉमिस्ट का जो है जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से भी डेटा लिया गया है तीसरा दुनिया में सबसे महंगा तरीन मुल्क है। जवेरिया साहिबा, देखिए गरीदा, पहली बात तो ये कि ये जो आपने रिपोर्ट दी है ये भी मेरी नजरों से गुजरी नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये है कि महंगाई से जो आप फरमा रही थी कि पीटीआई अब भी बात नहीं मानती, पीटीआई ने कब बात नहीं मानी? आपके वजीर आजम साहब कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मैं आपके, हम जब कंपैरिजन की बात करते हैं ना गरीदा, अभी पेट्रोल प्राइसेस की हाइक की बात हुई, बिजली की हाइक की बात हुई, फिर पूरी दुनिया में और बहुत सारी चीजों की कीमतें बढ़ी, जब ये कंपैरिजन करते हैं, जब ये बाकी चीजों से बात करते हैं, और फिर कोविड को जिस तरह से हमने टैकल किया है, हमारी गवर्नमेंट ने इन नामसाइद हालात के बावजूद टैकल किया है, हमने कब कहा कि महंगाई नहीं हुई? हमने कब ये कहा कि चीजें महंगी नहीं हो रही? मैंने खुद आपके प्रोग्राम में आके, कई और प्रोग्राम में आके हमेशा यही कहा, और प्राइम मिनिस्टर साहब जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उनका स्टार्ट ही इस बात से होता है कि जो ये जो महंगाई और इस तरह के इश्यूज पे होता है, तो आप इस बात से अंदाजा लगे कि हम गाफिल नहीं है चीजों से और हम उसके बारे में न सिर्फ इकदाम को, मेरी मैं आपसे वही अर्ज कर रही हूं ना जी कि जब महंगाई पूरी दुनिया में लहराई, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आई, जब आप प्राइस हाइक की बात करते हैं, जब आप कंपेयर करते हैं, तो जब हम इनको एक कंपेरिजन करके दुनिया बताते हैं, पूरी दुनिया के महंगाई का डेटा दिया है ना द इकोनॉमिस्ट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के साथ, अगर यही इंटरनेशनल जरीदे, खरीदा एक मिनट, जब यही इंटरनेशनल जरीदे पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल होता हुआ दिखाते हैं, जब यही इंटरनेशनल जरीदे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की काबिलियत को, उनके अहकाम को सराहते हैं, जब यही इंटरनेशनल जरीदे पाकिस्तान के बारे में, उसके हालात के बारे में, इंटरनेशनल पॉलिसीज के बारे में यही इंटरनेशनल जब छापते हैं, तो उनकी बात को क्यों नहीं अपोजिशन मानती या सीरियस लेती? दूसरी चीज ये कि अवाम के दर से हम बिल्कुल बखूबी वाकिफ हैं, हम जो अभी भी इन्होंने जो एक पिक्चर पेश करने की झूठी कोशिश की है अवाम के सामने, क्योंकि रोना धोना इनका अपना है, हमने कभी भी नहीं कहा मुश्किलात में नहीं है, लेकिन हम कोशिश भी करते हैं, अमली इकदाम कर रहे हैं, हमने एग्रीकल्चर को जो हमारे दौरे हुकूमत में जितनी सब्सिडी दी गई और जितना ज्यादा किसानों को रिलीफ मिला और जिस तरह उनको टाइम के ऊपर उनकी पैसे उनको मिले जो कभी भी नहीं मिले थे, आप देखिए हमारा मुल्क एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, अभी भी जवेरिया साहिबा आटे का रेट बता दें मुझे, फाइनेंस जवेरिया साहिबा मुझे आटे का रेट बता दें, मुझे सब्जियों का रेट बता दें, दालें छोड़ दें, दालें आप इंपोर्ट करते हैं, मुझे सब्जियों का, मुझे आटे का, मुझे चीनी का, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुने गरीदा, ये जो फाइनेंस बिल के ऊपर इतना इन्होंने शोर मचाया, नहीं नहीं मैं तो आपसे आटे की प्राइस पूछ रही हूँ, एक अरब के नीचे आ गए थे, अंडे का रेट, बेसिक आइटम्स पे जो जरूरियात की चीजें उन पे तो टैक्स लगा भी नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर वो 200 अरब, नहीं जवेरे साहिबा मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, इंडस्ट्रीज को छोड़ देना, इंडस्ट्रीज की बात ना करें, इंडस्ट्रीज को छोड़ दें, जो एक आम आदमी, इंडस्ट्री को छोड़े, मिडिल क्लास, आप अंडों की बात कर लें, आप दूध की बात कर लें, आप मुझे ये बताएं अली परवेज मलिक साहब का रेट बता दें, अच्छा ये फाइनेंस की, ये फाइनेंस की कमेटी में भी हैं अली परवेज मलिक साहब, यहाँ पे तशरीफ मेरे भाई रखते हैं, तो इनको, इनसे पूछें कि ये मेरे से बेहतर आपको बताएंगे कि जो हमने और हुकूमत ने, अली परवेज साहब नहीं है, मुझे आप बता देना आपने आटे का, एक किलो आटे का रेट क्या है, एक किलो चीनी का रेट, क्रैकडाउन हुआ, मेरी बात सुने, रेट तो बता देना, हुआ 100 से ऊपर, 120 से ऊपर रेट चला गया, वापस 90 के ऊपर हम लेके आ गए, हम वापस 90 रुपए के ऊपर लेके आ गए, हमने इंश्योर कराया हर डीसी, इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद में बैठी हुई हूँ, इस्लामाबाद में बैठी हुई, आप मेरे साथ चले बाहर, इस वक्त भी चीनी 100-110 रुपए की मिल रही है, कहाँ पे 90 रुपए की आप बेच रहे हैं, ये बता नहीं मानेंगे अली परवेज साहब एक पॉइंट तो फेयर है जवेरिया साहिबा का कि जी यही इदारे जरीदे जो हैं, यही इंटरनेशनल जब बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान की कामयाबियों की या जब मईशत के बारे में पॉजिटिव फिगर देते हैं तब तो आप नहीं मानते, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक को भी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी, और एसपीआई सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो अभी पिछले वीक पे जो एंड हुआ 0.43 डिक्रीजिंग ट्रेंड पे रिकॉर्ड
रिकॉर्ड किया गया है, आप कहेंगे ये भी गलत है, और उसमें टमाटर अंडे ये सारी कामयाबी कह रही है 20% जो है महंगाई बढ़ गई और आप कह रहे हैं तो आ रहा है आप 0.43 की मईशत में बेहतरी नहीं आ रही। अच्छा चले अली प्रोफेसर, अली प्रोफेसर 0.43 महंगाई कम हो गई है परसेंटेज, मईशत बेहतर हो गई है। गरीदा ये इमरान खान साहब महंगाई को महंगाई से इनकारी इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सारी की सारी महंगाई उनकी नलायकी की वजह से है। अब जो आप आके जो चीज हमें बहस करने की जरूरत है वो ये है कि जी पाकिस्तान क्यों महंगा तरीन मुल्क बन गया, क्योंकि आपने यकीनन जिस टेबल की तरफ आप प्रेफर कर रही हैं वो लंडन इकोनॉमिस्ट में पब्लिश हुआ है और जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया का महंगा तरीन एक मुल्क बन गया हुआ है इमरान खान साहब की कमांड के अंदर। तो उसकी वजह बुनियादी ये है कि हमने पिछले 3-3.5 साल के अंदर वो इस्लाहात नहीं की जो इस मुल्क को एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे डालने के लिए जरूरी थी। हमने अपनी सारी की सारी तवानाइयां जो हैं ऑपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमे बनाने के लिए, ऑपोजिशन के लीडरों की जुबान बंदी करने के लिए, हमने कभी उनके हीरोइन उनके ऊपर हीरोइन डालने के ऊपर सारी अपनी तवानाइयां इन चीजों के ऊपर जाया कर दी हैं। और आज जो हमारे खसारे हैं, इमरान खान साहब बताते थे ना कि बैरूनी खसारा उन्होंने किस महारत से काबू में ले आए हैं, तो आज 6 महीने का जो खसारा आया है वो $9 बिलियन से ज्यादा का है और पूरे साल का जो बैरूनी खसारा है वो आपका $20 बिलियन के ऊपर जा रहा है। इसलिए जब आपको IMF के दर के ऊपर एक दफा दोबारा जाना पड़ा है तो उन्होंने आपको कहा कि अपनी चादर के मुताबिक पैर फैलाएं, और उन्होंने आपको कहा कि जो आपने 6000 अरब का जो रेवेन्यू का टारगेट रखा है और जो आपने जुलाई में अपना बजट पास कराया था यह सिर्फ एक अफसाना है और आप प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे, इसीलिए उन्होंने इस नालायक हुकूमत के कान पकड़ के आपको वो मिनी बजट के ऊपर जो आपको दोबारा ले करने के ऊपर मजबूर किया। और एक दफा फिर इमरान खान साहब ने सही और मुश्किल रास्ता लेने के बजाय सियासी तौर पे आसान रास्ता अडॉप्ट किया और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर इन्हिसार करके तकरीबन 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस चीजों की कीमतों के अंदर लोड करके लगाए, और ये वो वजह जिससे महंगाई की एक नई लहर आ रही है। और ये जो खसारे ना कंट्रोल करने की वजह से आपकी करेंसी भी एक दफा प्रेशर में है, तो जब दुनिया के अंदर कीमतें महंगी हुई क्योंकि कोविड के बाद बिल्कुल हुई, पर जब आपकी करेंसी और ज्यादा गिरावट का शिकार हुई तो ये महंगाई आपके पास 3-4 गुना ज्यादा होकर उसका इंपैक्ट। लेकिन अली परवेज साहब, फिर सुनने के खिलाफ आपने टैक्सेस भी कीमतें के अंदर लगा दिया, चीजों की कीमतों के ऊपर लगा दिया, इसलिए गरीब आदमी इनकी नालायकी के बोझ तले आज दफन हो गया है। और इसीलिए अली परवेज साहब जिम्नी इलेक्शन के अंदर, हर बलदियाती इलेक्शन के अंदर शिकस्त का सामना। अली परवेज साहब, अगला सवाल मैं आपसे यही करूंगी आदिश धामरा से आने के बाद, आप लोग गांधी का शोर क्यों मचाते हैं? चले इस पे आगे चल के डिबेट कर लेते हैं। मैं तो धांधली का शोर नहीं मचा रहा, मुझे तो ये पता है लाहौर के जिमनी इलेक्शन से आप तो जीत के भी भाग गए, आप तो जीत के भी धांधली का शोर मचाते हैं। कमाल की जमात है आपकी, कमाल की जमात है कि जीतने के बाद भी रो रहे होते हैं और धांधली का शोर मचा रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप चोर दरवाजे से भागी क्यों लाहौर के जिमनी इलेक्शन से? आप क्यों आवाम का सामना नहीं कर सकती थी? क्यों जमशेद इकबाल चीमा साहब को टेक्निकलिटी के पीछे मैदान खाली छोड़ के अभी हम कहीं और डाइवर्ट हो जाएंगे, डिबेट कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी। लेट इट कम बैक टू महंगाई का इशू। आदिश धामरा साहब, एक तो महंगाई के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, आज जरदारी साहब का रब्ता हुआ है मौलाना साहब से, तो क्या कोई इम्कान है कि पीपल्स पार्टी का और पीडीएम का लॉन्ग मार्च इकट्ठा हो सके, क्लिप हो सके? प्लस जो जवेरिया साहिबा कह रही हैं कि जी महंगाई के जब आदाद शुमार आते हैं तो आप लोग सर पे चढ़ के बोलना शुरू कर देते हैं, और जब यही इदारे यही दुनिया भर से खबरें आती हैं या रिपोर्ट्स आती हैं या एक्नॉलेज किया जाता है हुकूमती कामयाबियों को और मईशत के अच्छे होने को, तब आप लोग उसको तस्लीम नहीं करते। मिसाल के तौर पे अभी वो IPOR का सर्वे रिपोर्ट आया है, उस्मान बुजदार साहब नंबर 1 पे हैं परफॉर्मेंस में और आपके मुराद अली शाह नंबर 4 पे हैं, सबसे कम परफॉर्मेंस। अच्छा, पहले तो मुझे अपनी बहन को सलाम पेश करने दें कि इन हालात में भी वो कह रही हैं कि जी कोई महंगाई या कोई आवाम की परेशानी उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंची जिसके लिए आप हम सब मिलके ये शोर मचा रहे हैं, खाम खान बेचारों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मेरी बहन, आप इमरान खान की इस सारी पॉलिसी से मुतमिन हैं? अगर है तो आपको बिल्कुल सलाम होना चाहिए, क्योंकि आप भी ये प्रोग्राम मेरे भाई, मैंने कब का आपने बात ही नहीं सुनी।
मैंने कब कहा आपने बात ही नहीं सुनी, मैंने तो कहा महंगाई है। अंडे की कीमत तो बता दें। मेरी बहन मैं आपसे सहमत हूँ इस पॉइंट पे कि आप कह रही कि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये अगर हमारी फेवर में आते हैं तो ये मानते नहीं है, और अगर इनके खिलाफ, पहली बात तो इमरान खान दो कदम अभी पीछे हैं, उसको और ज्यादा इस तबाही की तरफ जाना है कि वो नंबर वन पे आना चाहते हैं महंगाई के हवाले से ना, वो टारगेट अचीव करने के बड़े शौकीन आदमी हैं। तो ये अल्लाह माफ करे उस हालात में इस मुल्क को छोड़ के जाएं कि आने वाली हुकूमतें और 20-25 साल ये कौम भुगतेगी इस मौजूदा हुकूमत के जो भी कारगुजारियां हैं। तो चलो हम इन रिपोर्ट की बात छोड़ देते हैं, अगला प्रोग्राम जब भी गरीदा आप करें, पीटीआई के जो दोस्त आप स्टूडियो में कॉल करते हैं वो किसी बाजार में बैठ जाएं कुर्सी रख के, हम अपोजिशन वाले जहां बैठेंगे वहां से अवाम हमें गालियां देंगे, इनको हार पहनाएंगे, हम यहां से इनको मुबारकबाद दे देंगे। मतलब इतने अच्छे हालात हैं। और अभी कोविड की आपने बात की मेरी बहन ने, देखें यहां पे मुनाफकत की इंतहा है पीटीआई की। एक बार जब सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू में किया था तो आपने कहा सिंध गवर्नमेंट की नालायकी है, सिंध गवर्नमेंट अवाम दुश्मन है, सिंध गवर्नमेंट अवाम को भूखा मारना चाहती है। फिर आपने कहा कि जी हमने हैंडल किया, बड़ी अच्छी पॉलिसी की, पूरी दुनिया ने वाहवाह की थी पीटीआई की। तो भाई जब आपने अच्छा हैंडल किया कोविड में तो ये हालात मईशत के आप क्यों रोना रो रहे हैं? अच्छा अगर धामरा साहब यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं, धामरा साहब का मुकम्मल जवाब लेते हैं, जवेरिया जफर साहिबा और अली परवेज मलिक साहब भी मौजूद हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक सेंटर आरिज धामरा साहब, बहुत माजरत, एक ब्रेक लेनी थी, आप अपना जवाब मुकम्मल कीजिए। जी गरीदा, मैं कोविड पे एक और क्रेडिट देना चाहता हूँ इस हुकूमत को ना, ये बढ़ चढ़ के कोविड के वो लेना चाहते हैं बड़े। कोविड पे जो हमें खैरात मिली थी, वैसे भी ये खैरात आते ही इस हुकूमत ने ली थी, 200 अरब रुपए मारने थे आईएमएफ के मुंह पे, मगर इन्होंने स्टेट बैंक मुंह पे मार दिया आईएमएफ के, और आईएमएफ भी क्या याद करेगा कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पूरी बैंक उठा के उनके मुंह पे मार दी, वाह 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 वाह, पूरी कौम तालियां बजा रहे आपके। वो जो 40 अरब रुपए फंड में गड़बड़ हुई, चोरी हुई, वो तो ढूंढ के जरा कौम को जवाब दे दें कि जी कोविड पे हमारी जबरदस्त पॉलिसी थी और ये जो 40 अरब रुपए की चोरी हुई है, टीका लगा है, जरा इसका भी जवाब दें। और ये भी क्रेडिट है अगर आपका तो ले लें, हमें कोई एतराज नहीं, और मलिक साहब से भी मैं इंश्योर करवाऊंगा कि वो भी कोई एतराज नहीं करेंगे आपके ऊपर। अच्छा मेरे दूसरे सवाल का आप क्विकली जवाब दे दें कि लॉन्ग मार्च जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, क्या उसके साथ पीडीएम का लॉन्ग मार्च क्लिप हो सकता है? फिर मैं अली परवेज साहब से यही सवाल करती हूँ। जी 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 गरीदा, देखें पीडीएम भी अपोजिशन का एक इतिहाद है, गो के हमारे दरमियान इख्तलाफात की बुनियाद पर पीपुल्स पार्टी या पीडीएम का हिस्सा नहीं है। जारी हमने मौसम की नजाकत को सामने रखा है और ये सारी चीजें हमारे सामने थी, और फिर हमने 27 तारीख को ऐलान कर दिया है। लीडरशिप, टॉप लीडरशिप लेवल पे ये बातें चल रही है, मे बी इन फ्यूचर ये सूरत हाल पाकिस्तान में नजर आए कि पूरी अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे हो, अदरवाइज नहीं भी हुई तो हमारा टारगेट एक है कि इस नाहल नाकाम अवाम दुश्मन की हुक्मरानों की कोताहियों को एक्सपोज करते हुए हम अपना लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक। ठीक है अली प्रोफेसर साहब, जरा क्विकली जवाब दीजिएगा आप मुझे कि जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च है, क्योंकि आप लोग 23 मार्च की आपकी डेट है ना, अप्रैल के पहले हफ्ते में रमजान स्टार्ट हो जाएगा, जाहिर है मौला फजल रहमान साहब, उनकी जमात, उनके कारकुनान ने वापस जाके अपनी मजहबी जिम्मेदारियां फराइज अंजाम देने होंगे, तो लगता तो यही है कि वो मार्च अप्रैल के पहले हफ्ते तक जाहिर धरना देंगे या लॉन्ग मार्च के साथ साथ नहीं चलेंगे। फिर मई में इंतखाबात आने वाले हैं, बल्दियाती डेट अनाउंस हो गई है 15 मई की, तो आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे पंजाब में या पंजाब के लोकल गवर्नमेंट तैयारी करेंगे, तो लॉन्ग मार्च आप लोग कर पाएंगे नून लीग वाले पीडीएम वाले? अच्छा दो बातें गरीदा, एक तो ये कि इस तहरीक के अंदर आप हारते हैं या जीतते हैं वो मैटर नहीं करता, मेरी नजर के अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाए उसके अंदर ये याद रखा जाए कि कौन सी जमात किस साइड पे खड़ी थी लकीर के जब यहां पे पाकिस्तान की अवाम का माशी कत्ल हो रहा था। तो हम इस तहरीक को इस नजरिए से आगे लेके चल रहे हैं, और मेरी तो ये जाती तौर पे ख्वाहिश है कि हम सारी की सारी ओपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करके सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के ऊपर के इन नालायकों से आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे या लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ेंगे, आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे या बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे? ये इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन ने जो बल्दियाती इलेक्शन की जो डेट्स हैं पंजाब के अंदर मई के अंदर उन्होंने अनाउंस की है, मार्च के अंदर जो डेट्स हैं वो केपीके की आ रही हैं, तो ये तो पीडीएम की सतह के ऊपर फैसला होना है ना कि आपने लॉन्ग मार्च को किस तारीख के ऊपर शिफ्ट करना है अगर आपने उनको शिफ्ट करना है, और उसके अंदर क्या पीपल्स पार्टी से कोऑपरेट करके कि ये थोड़ा सा डिले कर दें हम थोड़ा सा एडवांस कर दें, ये तो हतमी फैसला 25 जनवरी को जो ये पार्लियामानी जो हमारे कायदीन की जो मीटिंग होने जा रही है उसके अंदर ये फैसला होगा, इसके ऊपर मैं तो जवाब नहीं दे सकता ना जी। ठीक है चलें जवेरिया सफर साहब आखिर में प्रोग्राम की मुबारकबाद आपको, लॉन्ग मार्च एक दफा फिर डिले हो गया, एक दफा फिर खटाई में पड़ गया पीडीएम का, लेकिन लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शन में आपको टफ टाइम देंगे नून लीग वाले पीपल्स पार्टी वाले भी और मौलाना भी। गरीदा लॉन्ग मार्च की तो खैर इनकी डेट्स हमेशा बढ़ती जाती हैं, आगे आगे जाती जाती हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आज अनाउंस करें कल करें, बेशक कल आ जाएं लेके, हम तो हमेशा इनसे कहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो बार बार एक बात करते हैं इन्होंने बड़े, मैं धामरा साहब और अली परवेज दोनों से इस वक्त बात मुखातिब हूँ इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, इन्होंने बड़े जनरल्स के नाम गिनवा दिए, क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग भूल गए पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की लीडरशिप की, वो इनको हाथ भी याद नहीं आए, वो इनको बैसाखियां याद नहीं आई। आप ठीक कह रहे हैं अवाम नहीं भूलती, अवाम नहीं भूली कि कौन सी जमात कैसे हमारे से वजूद में आई, अवाम नहीं भूली कि कौन किसका सहारा लेके आया, अवाम नहीं भूली जब आप सुप्रीम कोर्ट के आगे, आप प्लीज प्लीज मैंने आपको रोका नहीं, अवाम नहीं भूली कि जब सुप्रीम कोर्ट के आप जो जाके हशर कर रहे थे, अवाम नहीं भूली आपका कोई भी मार्च, अवाम कैसे भूले, अवाम को अपने हकूक का अच्छी तरह अदराक है, अवाम को अवाम नहीं भूलेगी आपकी नकली या असली जो भी है, और वीडियो वीडियो क्लिप और मुझे क्लोज करना है, अगर मुझे क्लोज नहीं करना है, लेकिन लेकिन अवाम अंदर घुस गए हैं, मुझे सदर साहब को मुबारक दे रहे हैं, क्लोज करना है मुझे आपके प्रोग्राम क्लोज करना है, मुबारकबाद है ना वो मैं आपकी मुबारकबाद, तो आप अपनी मुबारकबाद चलाएंगे, सिविल मनाफरमानी तरीक चलाएंगे, अली परवेज साहब बहुत शुक्रिया आपको की सारी की सारी एनर्जी, जफर साहब मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, अली परवेज साहब मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, बहुत शुक्रिया, जफर साहब आपकी लग गई पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराने में, आप सब मिलके भी ठीक है, गॉट योर पॉइंट जवेरिया साहिबा, गॉट योर पॉइंट, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, जवेरिया साहिबा गॉट योर पॉइंट, थैंक यू वेरी मच जवेरिया साहब, थैंक यू वेरी मच, लेकिन जो सेंटर आदिश धामरा बात कर रहे थे जनरल जिया की, जनरल मुशर्रफ की, जनरल अयूब की, जनरल याहिया की, वो आपके बारे में नहीं, वो तो सदारत निजाम की मुखालिफत में कर रहे थे बात, तो आप क्यों बुरा मान गए, वो तो नहीं खरीदा, आप डिफेंड ना करें, मुखालिफत में कर रहे थे, जनरल की बात की ना, जनरल की बात से मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये आज जो फौज को मुतनाज़े बनाते हैं, आज जो इदारों पर कीचड़ उछालते हैं, ये अपना माजी भूल गए, ये अपनी जमातें भूल गए, ये अपनी सारी चीजें भूल गए, पाकिस्तान की रियासत की फौज है, मुतनाज़ा बनाते हैं, असलियत को आप मुतनाज़ा बनाते हैं, फौज को आप मुतनाज़ा बनाते हैं, चले टाइम खत्म हो रहा है वरना ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है, बनी हुई है, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, जवेरिया जफर साहिबा सेंट्रल आदिश देती जाए जाते जाते जी, क्या खुशखबरी सेंट्रल आदिश साहब, महंगाई कब खत्म होगी कौम को बताएं, ये अगले प्रोग्राम है, ये अगले प्रोग्राम, आप मुझे आप ये बताएं, आपके पास बहुत एक सिर्फ जुमला कहूंगी दोनों को, बहुत अच्छा आपके पास मौका है और आईनी तरीका भी है, दोनों जमातें इस्तीफा दें, पंजाब में अदम एतमाद लेके आए, सिंध की गवर्नमेंट खत्म कर दें, नए इंतखाबात हो जाएंगे, इससे बेहतर मैं आपको क्या बता सकती हूँ, आप तो सीनियर क्या बात है, क्या मशवरा दिया आपने जबरदस्त, ऑपोजिशन की जमातों को इस्तीफा देना चाहिए ताकि सिस्टम को डिलीजिटिमाइज करें, बिल्कुल ठीक बात है, आप आवाम के लिए कुर्बानी दें, आवाम के लिए कुर्बानी दे, अब आपकी जो दर्द आपको जाग रहे ना, वो जो दर्द आपको जाग रहे ना, वो सब दूर करें, बुलाएं अपने लीडर को वापस जिन्होंने पाकिस्तान को बचाना है बेचारों ने, चले बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज साहब, कहते हैं मान जाए हम राजी हैं, टाइम खत्म हो चुका है, बहुत माजरा तीनों पार्टिसिपेंट्स के साथ, पता डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है, अहमद जवाब क्या कह रहे हैं, सेंटर आदिश धामरा साहब, अली परवेज मलिक साहब, जवेरिया जफर, आहिर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका, इंशाल्लाह इसी दिलचस्प गुफ्तगू को डिबेट को किसी और प्रोग्राम में कंटिन्यू रखेंगे, आज से टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।